चलिए इंडिया सुपर 30 की शुरुआत करते हैं। पहली खबर की बात करें तो आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत में पठानकोट जैसे और हमले कराने की धमकी दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक रैली में हाफिज ने कहा कि श्रीनगर और पठानकोट के बाद अब पूरे हिंदुस्तान में हमला होगा। वहीं हाफिज सईद के रैली करने पर भारत ने चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाफिज सईद का पाकिस्तान में खुलेआम घूमना बड़ी चिंता की बात है। शुड बी अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न टू एवरीवन दैट पीपल लाइक हाफिज सईद एंड हिज एसोसिएट्स कंटिन्यू टू एंजॉय द फ्रीडम टू इंडल्ज इन देयर एक्टिविटीज। सियाचिन में फंसे 10 जवानों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट करके कहा है कि यह बेहद ही दर्दनाक हादसा है। मैं उन शहीदों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी शहीद जवानों के परिवारों के प्रति दुख जाहिर किया है। पर्रिकर ने कहा कि ड्यूटी के दौरान जवानों ने बड़ा बलिदान दिया है। आपको बता दें कि कल अचानक आए बर्फीले तूफान में गश्त के दौरान 10 जवान फंस गए थे। ये जवान उस वक्त हिमस्खलन की चपेट में आ गए जब ये 19,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त लगा रहे थे। जवानों को बचाने के लिए सेना कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 दिनों तक चलने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2016 की शुरुआत हो गई है। इस आयोजन का मकसद समुद्र में दुनिया की नौसेनाओं को एकता का प्रदर्शन करना है। भारत की मेजबानी में 15 साल बाद हो रहे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में अमेरिका, रूस, चीन और जापान समेत 52 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। निमंत्रण के बावजूद पाकिस्तान की नौसेना इसमें शामिल नहीं हुई। फ्लीट रिव्यू में 100 युद्धपोत और 60 फाइटर प्लेन बंगाल की खाड़ी में अपने जौहर दिखाएंगे। शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फ्लीट रिव्यू में शामिल होंगे और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश की ताकतवर नौ सेनाओं का जौहर देखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के उस सर्वे पर विवाद हो गया है जिसमें लोगों से नाम, पता और बाकी जानकारियों के साथ धार्मिक पहचान, आतंकियों से रिश्ते और बेटी की शादी कहां हुई इसकी जानकारी मांगी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सर्वे का विरोध किया है। आरोप है कि लोगों को बांटने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। सर्वे कराने का फैसला पीडीपी बीजेपी सरकार का था। 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ में जम्मू कश्मीर के लोगों के पुराने रिकॉर्ड नष्ट हो गए थे जिसकी वजह से ये सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के बाद जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 10 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड धोखाधड़ी केस में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सर्वोच्च अदालत में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें अदालत ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने के समन जारी किए थे और अदालत में हाजिर न होने की मांग पर राहत नहीं दी थी। हेराल्ड केस में निचली अदालत के समन के फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन 7 दिसंबर 2015 को हाईकोर्ट ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के आचरण पर तीखी टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 19 दिसंबर को कांग्रेस नेता दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 20 फरवरी को कांग्रेस नेताओं को फिर अदालत में पेश होना होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार यादव सिंह को आज दोपहर करीब 3:30 बजे गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में पेश किया गया था। यादव सिंह की पेशी की खबर के कारण गाजियाबाद कोर्ट में सुबह से ही हलचल थी और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। सीबीआई के अधिकारी जब यादव सिंह को लेकर कोर्ट पहुंचे तो गाड़ी में बैठे करप्शन किंग ने चेहरा कपड़े से ढक रखा था लेकिन सीबीआई के अधिकारी जब यादव सिंह को कोर्ट रूम में लेकर दाखिल हुए तो भ्रष्टाचार के सिंडिकेट के सरगना का चेहरा सबके सामने आ गया। यादव सिंह को कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई के वकील ने अदालत से यादव सिंह की 14 दिन की रिमांड की मांग की जिस पर दोनों तरफ से जिरह हुई और बाद में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यादव सिंह को 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गिरे नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 4 अगस्त 2015 को यादव सिंह के आगरा, फिरोजाबाद और नोएडा समेत कुल 14 जगहों पर रेड की थी। सीबीआई रेड के दौरान यादव सिंह की 38 अचल संपत्तियों का पता चला था जिसके बाद सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। सीबीआई ने दिसंबर 2015 में नोएडा अथॉरिटी के प्रोजेक्ट इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा काम करने की हिम्मत न करे। एक प्रक्रिया है और जिन लोगों ने
इतना बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार किया है उसकी गहन जांच होनी चाहिए। आखिरकार ये जनता की कमाई का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय के अंदर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत ना जुटा सके। मैं समझता हूँ CBI को अपना काम मुक्त रूप से करने दिया जाए और जांच का विषय है, ये जांच के विषय में जो भी बीच के अंदर आएगा चाहे वो गिरफ्तारी हो या कुछ भी हो, होना चाहिए। यादव सिंह इस समय CBI की गिरफ्त में है लेकिन जांच एजेंसियों से लुका छुपी का खेल वो उस दिन से खेल रहा है जिस दिन से उसने अथॉरिटी में नौकरी हासिल करने के बाद अपनी 400 VC शुरू की और साल 2012 में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। और आपको बता दें कि पहले नोएडा पुलिस और बाद में केस CIDCO ट्रांसफर हुआ लेकिन बेईमान यादव सिंह की सेहत पर इन जांचों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले से ज्यादा बड़ा बेईमान बनकर नेताओं अफसरों और हर उस शख्स को अपनी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री में खींचता रहा जो धनबल पर को तैयार थे। इस दौरान सरकारें बदली लेकिन यादव सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2012 में यादव सिंह CBCID से क्लीन चिट हासिल करने में भी कामयाब रहा। 13 जून 2012 को सस्पेंड हुआ यादव सिंह सिर्फ 50 दिनों के बाद 1 नवंबर 2012 को बहाल भी हो गया। साल 2012 ही यूपी विधानसभा चुनाव का एक साल भी था और एक सरकार जाते जाते उसे CBCID से क्लीन चिट भी मिली तो नई सरकार आते ही उस पर फिर से शिकंजा कस गया। लेकिन यादव सिंह इतना शातिर था कि वो पहले नोएडा अथॉरिटी का प्रोजेक्ट इंजीनियर बना और फिर नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का भी चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर बना दिया गया। जब इनकम टैक्स विभाग की रेट में उस पर फिर शिकंजा कसा, जांच बैठी, प्रदर्शन हुए, CBI जांच की मांग हुई तो मौजूदा प्रदेश सरकार CBI जांच न कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हालांकि अदालत से इंसाफ की आस थी और अदालत ने यूपी सरकार की कोशिशों पर रोक लगाई और यादव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर CBI जांच के आदेश दे दिए गए। CBI ने जानकारी दी है कि 30 जुलाई 2015 को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर यादव सिंह और कुछ दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। IPC की धारा 120B, 409, 420, 466, 467, 469 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामला अंडरग्राउंड केबल बिछाने के प्रोजेक्ट का था जिसकी लागत करीब 92 करोड़ रुपए थी। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के 16 जुलाई 2015 के आदेश पर की गई। CBI ने 4 अगस्त 2015 को यादव सिंह के नोएडा, आगरा और फिरोजाबाद में 14 ठिकानों पर छापे मारे थे जिनमें से 12 ठिकाने नोएडा में थे। और इससे पहले नोएडा पुलिस ने 13 जून 2012 को एक FIR दर्ज की थी। नोएडा सेक्टर 39 थाने में दर्ज इस FIR का नंबर 371 था। इसमें आरोप लगाया गया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर यादव सिंह ने कुछ प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची जिसके तहत तय प्रक्रिया से हटकर ठेके दिए गए। लेकिन जनवरी 2014 में नोएडा के सेशन जज के सामने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई। नवंबर 2014 में कोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया था। इस मामले में सबसे पहले सवाल 2011 में उठे थे जब अंडरग्राउंड केबल बिछाने का ठेका दिसंबर 2011 में दिया गया लेकिन इस पर काम सितंबर 2011 में ही शुरू हो गया था, यानी ठेका देने से पहले ही काम शुरू हो गया। इतना ही नहीं, ठेका देने से पहले 60% काम भी पूरा हो चुका था। ये काम दो कंपनियों को दिया गया था, एक कंपनी को 21.9 करोड़ का जबकि दूसरी कंपनी को 25.5 करोड़ रुपए का काम दिया गया था। इसके बाद गाजियाबाद के राजनगर में स्थित एक कंपनी को 34.8 करोड़ रुपए का बचा हुआ ठेका दिया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने 959 करोड़ रुपए के 1280 कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2014 में महज 8 दिन में साइन किए थे। कांग्रेस ने पूछा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यादव सिंह की गिरफ्तारी हुई है बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि यादव सिंह के पीछे BSP और SP के कौन कौन से नेता शामिल थे। यादव सिंह की गिरफ्तारी का नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बसपा और सपा कि कौन कौन से नेता उनके साथ संलिप्त थे भ्रष्टाचार में, उनको बचाने में और उनके कंपनियों के में साझेदार जो है। BJP नेता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि यादव सिंह जैसे शख्स को पहचानने वाले जौहरियों का पर्दाफाश होगा। जांच एजेंसी से अपेक्षा है कि जिस प्रकार का भरोसा लोगों का बना है कि करप्शन किंग पकड़ा गया है तो उस करप्शन किंग से जो खुलासे होंगे, जो कड़ियां जा रही हैं, जिन जौहरियों ने उनके जौहर को पहचाना है उनका भी पर्दाफाश होगा। जिस तरह से राजनेता नौकरशाही
और इंजीनियर के गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में लूट खसोट की कोशिश हुई, उसका पर्दाफाश होगा। वहीं बीएसपी केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी, सीबीआई को ये हमेशा मोहरा बनाते हैं। और विशेष रूप से जब जब चुनाव आता है तो सीबीआई को आगे करके अन्य राजनीतिक पार्टियों को ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ अब सीबीआई मुकदमा चला सकेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने राज्यपाल से जस्टिस पाटिल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। आरोप है कि अशोक चव्हाण ने आदर्श हाउसिंग सोसायटी में ज्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए गलत तरीके से छूट दी, बदले में अपने रिश्तेदारों के लिए फ्लैट हासिल किया। आदर्श हाउसिंग सोसायटी पूर्व सैनिकों के लिए बनाई जा रही थी। अशोक चव्हाण और कांग्रेस दोनों ने ही इसे बीजेपी का राजनीतिक बदला बताया है। चव्हाण ने राज्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा देने से इनकार किया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को मुंबई में मिली सरकारी जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। पत्रकार केतन तिरोडकर ने जमीन आवंटन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में हेमा मालिनी और राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पौश अंधेरी के इलाके में करोड़ों रुपए कीमत की 2000 स्क्वायर मीटर जमीन महज 70,000 रुपए में हेमा मालिनी को आवंटित कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बीसीसीआई को जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर बीसीसीआई को इस संबंध में कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट को बताए और इस संबंध में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी केंद्र की मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर निशाना उन्होंने साधा। पीएम मोदी की लाहौर यात्रा पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी और नवाज लाहौर में ऐसे मिल रहे थे जैसे बिछड़े भाई मिल रहे हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश का आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा जबकि रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इसे मंजूरी दी है और बजट सत्र का पहला चरण 23 फरवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। The Honorable President will be addressing the joint session, joint session one. And then after that we'll be having the discussion, then we'll have railway budget on 25th, then we'll have economic survey on 26th, then 27th, 28th holidays because holiday Sunday. And 29th, we are proposing to have budget. And then the discussions will go on up to 16th March. 25 फरवरी को पेश होने वाला रेल बजट कई मायनों में काफी अहम होगा। इस बार रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे सेफ्टी पर ज्यादा जोर देंगे ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए सिस्टम बनाने पर काम किया जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल के जल्द पास होने की उम्मीद जाहिर की है। जेटली के मुताबिक सरकार जीएसटी बिल पास कराने के लिए सभी पार्टियों से बातचीत कर रही है। जेटली ने कहा है कि देश के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत है और निवेश बढ़ाने के लिए रिफॉर्म लाने होंगे। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन हैविंग वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इनडायरेक्ट टैक्स लीगल रेजिम्स इन द वर्ल्ड। इट्स बीन क्लियर्ड बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, is being supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वित्त मंत्रालय से कैश मार्केट के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटाने की मांग की है। फिलहाल कैश मार्केट में शेयर्स की खरीद और बिक्री पर 0.025% सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाना पड़ता है। सेबी की दलील है कि विदेशी बाजारों में मुकाबले भारत में ज्यादा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाना पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए इस महीने के अंत तक कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा गडकरी ने कहा है कि सरकार 1 अप्रैल 2020 से BS6 नियम को लागू करेगी। इसके लिए जरूरी फ्यूल की उपलब्धता दिक्कत नहीं बनेगी। ऑलरेडी मिस्टर गीते
then Petroleum Minister Dharmendra Pradhan, Environment Minister Prakash Javadekar and myself, we have collectively decided to accept the emission norms of Euro 6, that is of from 1st April 2020, that norms we are going to make mandatory. मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स मंत्रालय और क्वालकॉम वेंचर्स मिलकर स्टार्टअप कॉन्टेस्ट क्यू प्राइज मेक इन इंडिया का आयोजन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कॉन्टेस्ट जीतने वाले स्टार्टअप में क्वालकॉम 2,34,50,000 रुपए का निवेश करेगी। सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद देश में कॉल ड्रॉप के हालात नहीं सुधर रहे हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के कॉल ड्रॉप टेस्ट में टेलीकॉम कंपनियां फिर से फेल हो गई हैं। ट्राई ने दिसंबर में 7 शहरों में कॉल ड्रॉप टेस्ट करवाया था, जिसमें मुंबई में कॉल ड्रॉप के हालात पहले से ज्यादा बदतर हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि बैंक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म बेहतर है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म के लिए जयपुर में बड़ी यूनिट है। ये यूनिट सभी ट्रांजैक्शन की जांच करती है। भट्टाचार्य के मुताबिक एसबीआई एनआईएफ के सब फंड्स के निवेश पर विचार कर रही है। इसके अलावा नॉन कोर बिजनेस को बेचने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार शामिल है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है। जो हमारी बाहर की जो ब्रांचेस है वो वहाँ के जितने एएमएल कंडीशंस हैं सबको फुलफिल करते हैं। ये प्राइमरी है। हमारे यहाँ पे भी हमारी जयपुर में बहुत बड़ा यूनिट है, इट्स कॉल्ड द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड पीएमएल सेल, एंड दैट सेल इटसेल्फ एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन गोज थ्रू दैट। It goes through filters, it goes through scenario analysis. On a daily basis, we generate a lot of alerts. We file the suspicious transaction reports. So these are already in place in the bank. मोदी सरकार के मंत्री भी ऑटो एक्सपो में गाड़ियों की झलक देखने पहुंच रहे हैं। आज रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी और हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री अनंत गीते ऑटो एक्सपो देखने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंचे। गडकरी और गीते ने एक साथ कार में बैठकर ऑटो एक्सपो का जायजा लिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटो एक्सपो में एक्सयूवी एरो कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया। महिंद्रा की यह कार आपको बता दें कि कॉप स्टाइल एसयूवी है। लॉन्च होने के बाद यह गाड़ी देश की पहली कॉप स्टाइल एसयूवी होगी और इससे पहले भारत में बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज बेंज जैसे लग्जरी कार मेकर्स की ही कॉप स्टाइल एसयूवीज हैं।